हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो अभी ना सुबह नहीं हो रही है, लाइक मैंने नाइट वेयर पहना है तो सुबह नहीं है। जिस दिन मुझे ब्लॉग करना है ना, उससे अगले वाले दिन की रात है अभी। और अभी ना मैं पैकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली हम ना कहीं पर जाने वाले हैं, दो तीन या तीन चार दिन के लिए अप्रोक्स। तो कहाँ जाने वाला है वो मैं वहाँ पे पहुँच के कहूँगी, लेकिन लाइक वो भी आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो आज की रात है। बट जो मुझे रियल फुल डे ब्लॉग करना है वो तो मुझे कल करना है। बट मैंने सोचा कि आज रात का भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं पैकिंग किस तरह से कर रही हूँ और ट्रैवल बैग में क्या क्या रख रही हूँ। तो ये सब ना मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी है। लाइक अभी मैं सॉर्ट आउट कर रही थी कि मैं कौन सी चीज़ें साथ में लेके जाऊँगी। मैंने सॉर्ट आउट तो बस कर लिया है, अब मुझे अरेंज करना है। सो लेट्स डू दैट। तो अभी वैसे तो ऑनगोइंग पैकिंग है, तो यहाँ पर ये है पाउचेस सारे, ये लेके नहीं जाना है। इसमें से मैं देख रही थी कि कौन से रबर मैं लूँ लाइक आउटफिट के मैचिंग से। आपको तो पता है ना कि मुझे मैचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर एक चीज़ का मैचिंग ढूंढ लूँगी। देन ये है ट्रांसपेरेंट बॉक्स जिसमें सारी ईयर टॉप्स हैं, तो उसमें से भी मैं रेंडमली ऐसे ही कुछ कुछ ईयर टॉप्स निकाल रही थी। मुझे लग रहा था कि जो मैच जाएगी वो। यहाँ पे जो आउटफिट्स है वो रखना है बैग में, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एंड इसमें क्या है वो भी दिखाती हूँ, ये भी लेके जाना है। और इसके नीचे जो आउटफिट है वो भी लेके जाना है, बस ये ट्रांसपेरेंट नहीं लेके जाना है कुछ। तो देखिए ये जो पाउच है ना, उसमें पहले तो यहाँ पर मेरे सारे स्क्रंचीज़ हैं, फिर ये जो बॉक्स है उसमें ईयर टॉप्स है एंड ईयर रिंग्स है। वैसे ऐसे ही मैंने रेंडमली ले लिया है ना, तो कुछ खास इतना मैचिंग का नहीं देखा है, बट मुझे जो लग रहा था कि मैच जाएगा वो वैसे मैंने ले लिया है फटाफट। फिर यहाँ पर ना सारे बड़े बड़े वुलन के रबर्स है, ये मीडियम साइज़ वाले हैं, और एकदम ही यहाँ पे छोटे छोटे रबर्स है वुलन के। फिर ये जो चेन है ना, उसके अंदर दो बॉक्सेस है। एक बॉक्स में तो मेरी सारी ब्लैक कलर वाली हेयर पिंस है, बट ये जो दूसरा बॉक्स है ना, इसमें है कुछ नेकलेसेस। तो ये पाउच में बस इतना ही है। लाइक इसमें ना सारी मेरी एसेसरीज है, हेयर एसेसरीज भी साथ साथ में ही है। इसको रख देता है साइड में। फिर ये जो पाउच है ना, उसमें मैं सोच रही हूँ कि रिस्ट वॉच रख दूँ। बाय द वे अभी कितने बज रहे हैं आपको पता है? अभी बज रहे हैं 11:40 ऑलमोस्ट। तो हाँ, उतने बजे मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने सब लोग पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से जाना हुआ ना, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, तो सोचा फिर अभी ही जाना सही रहेगा। और इसमें है मेरे कोम, एंड ये जो रबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक एकदम लूज़ है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने लिया साथ में। मम्मा उस रबर को फटीचर रबर बोलते हैं। तो चलिए अब ये सारे आउटफिट्स, नैपकिन, टॉवल्स वगैरह सब बैग में रख देते हैं। एंड मैंने एक फिटनेस का कम्फी आउटफिट लिया है कि मुझे ना वहाँ पर फिटनेस करने का टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। अभी मॉर्निंग हो गई है एंड सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके। सो आई एम रेडी एंड अभी हम सब निकल रहे हैं। तो अभी ना हम एक्चुअली यहाँ पे रुके हैं। मैं तो बीच में गाड़ी में सो गई थी, अभी मैं जस्ट उठी थी, यहाँ पर आना था इसलिए। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर उठे हैं, थोड़ी बहुत भूख लगी है तो थोड़ा बहुत कुछ मंगवा रहे हैं। हमारा थोड़ा सा चटपटर हो गया है, फिर से हम जा रहे हैं कार में।
करता है एंड हम यहाँ पे आए हैं लंच करने। तो अभी मेरा और उमा का लंच हो गया है तो हम यहाँ पर बाहर, हमने सोचा थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं क्योंकि आज सुबह से गाड़ी में ही बैठे हैं ना, तो चलिए मामा थोड़ा सा वॉकिंग कर ले। बाकी सब लोगों का एक्चुअली लंच बाकी है तो वो लोग लंच कर रहे हैं और हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना हम लंच करने के लिए रुके हुए थे, आई मीन रुके हुए हैं अभी। वैसे आज का व्लॉग बहुत ही छोटा बन पाएगा क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग होगा तो आज का व्लॉग वैसे थोड़ा छोटा बन पाएगा, पर कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके तो व्लॉग करेंगे ना। हाँ वहाँ पे जाके कहीं कुछ करेंगे, मतलब आज के दिन तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ है डिनर का टाइम, तो हम आए हैं यहाँ पे डिनर करने और डिनर के टाइम तक तो ट्रैवलिंग ही था और अब फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो घर पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। पता चल गया ना आपको कि हम कहाँ पर आए हैं, ये देखिए। आपको अगर पता चल गया है तो जब तक मैं 5 काउंट करती हूँ ना तब तक आप जल्दी से कमेंट में लिख लीजिए कि हम कहाँ पे आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 योर टाइम इज ओवर एंड हम आए हैं हमारे पुराने घर में। एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो हम यहाँ पे आए हैं। तो एक्चुअली ना कल लेट नाइट को पैकिंग किया मैंने और फिर हम आज हमारा पूरा दिन तो गया ट्रैवलिंग में, तो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ तो अभी मैं तो सोने वाली हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।